जो कलेक्शन में जो चीज़ें जाती है वो है मामिया। अच्छा, ये कलेक्टर ज़्यादा पसंद करते हैं चीज़ जमा मामिया का। मामिया, अच्छा। उसके बाद में रोलीफ्लेक्स के जो आते हैं, अच्छा, जो पुराने स्टोन्स आते थे, अच्छा, ये सारे स्टोन्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे फिर जो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जैसे कफलिंग्स हो गए, बटन्स हो गए जो पुराने आते थे, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी जो 50 रुपीज़ से स्टार्ट होगी, okay. वो जाएंगी लाखों रुपये तक। लाखों दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम आए हैं गाइज एक एंटिक शॉप में, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट भी है पूना में। तो ये एंटिक शॉप जो है काफ़ी पुराना है गाइज। तो हम अभी आ चुके हैं, ये कैंप एरिया कहलाता है। तो ये न्यू मोदी खाना है गाइज, न्यू मोदी खाना याद रख सकते हो। ये फर्नांडिस बेकरी है, देखिए ये याद रख सकते हो। और आगे आप अगर आप जाओगे तो ट्रायलक होटल है बैंग, तो वो भी याद रख सकते हो। तो ये एंटिक शॉप हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गाइज आज। तो ये पूरा हम एक्सप्लोर करते हैं, कौन सी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है और ये कितनी पुरानी रहेगी, ये सभी डिटेल्स मैं आपको दूंगा आज। मैं हूँ रमीज, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल रैमसी एक्सप्लोरर। तो चलिए आज का सफ़र हम शुरू करते हैं गाइस। इसे गाइस, ये जो वाड़ा है ये काफ़ी पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने का वाड़ा है। देखिए ये याद रख सकते हो आप, ये बोर्ड लिखा है यहाँ पे एंटिक शॉप का, ठीक है। सिल्की वर्ल्ड यहाँ से एंट्री है, देखिए ये पूरा वाड़ा है। ये शॉप याद रख सकते हो, दीप मोबाइल्स, यहाँ से हम अंदर जाएंगे गाइस। माने का ये देखिए, ये एसी एंट्री है यहाँ से, ये देखिए ये शॉप है पूरा। यहाँ पे आपको कलेक्शन देखने मिलेगा पूरा एंटिक चीज़ों का। ये मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, यहाँ पे ओनर बैठे हैं, देखिए शमशीर भाई है। हेलो शमशीर भाई, कैसे हो? बढ़िया सर, कैसे चल रहा है आपका? सब ठीक चल रहा है। ओके, ये देखिए ये ऐसी पूरी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। तो चलिए गाइज, हम जानकारी लेते हैं शमशीर भाई से कि ये शॉप कब इन्होंने ओपन किया। चाइनीज कलेक्शन दिखाने वाले हैं, देखिए भाई वहाँ पे आप देख सकते हो, ये कंप्लीट जितना भी कलेक्शन है। अच्छे वाला बोल रहे हैं, ये जो कलेक्शन है ये कंप्लीट चाइनीज कलेक्शन, चाइनीज और जापानीज दोनों मिक्स्ड है इसमें। ओके, ये सारा ऑथेंटिक कलेक्शन है। ऑथेंटिक कलेक्शन है जी। तो ये कौन से ईयर का रहने वाला है ये बता सकते हो आप? ये मिंग डायनेस्टी से है और काफ़ी जो चाइनीज जो राजा थे ये उनके डायनेस्टी से है। ओके, काफ़ी जो चाइनीज जो समंदर से आते थे वो काफ़ी चीज़ों में, ये चीज़ें इनको कहा जाता है जिंजर पॉट्स। ये जो आप सामने देख रहे हो ये वाला, ये जो ऊपर वाले हैं ये सारे जिंजर पॉट्स हैं। अच्छा, जिंजर पॉट्स। इसके अंदर काफ़ी जो स्पाइसेस वगैरह जो आते थे इसी के अंदर सारे पैक होके आते थे। ओके, ये सारा डेकोरेटिव पीसेस है। ओके, ये देखिए गाइस, ये पेंटिंग वगैरह देखिए, ये पूरी ओरिजिनल मिलने वाली है आपको। तो ये कहाँ का पीस है भाई? ये भी चाइनीज के है, चाइना के ही है। ओके, कौन से ईयर चाइना रहेगा ये? ये अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स प्लस है सब। ओके, 100 ईयर्स प्लस है देखिए पूरे। और ये जो व्हाइट वाले जो है ये कौन से हैं? वो कम से कम 19th century के है। अच्छा, 19th century के, देखिए गाइस। ओके, और जो पेंटिंग्स आप पीछे देख रहे हो जी, दो पेंटिंग जो है। ओके, ये दोनों पेंटिंग जो है, एक पेंटिंग है 1927 की, अच्छा, और दूसरी है 1923 की। ओके, वो वाला जो कॉर्नर पीस जी बता रहे हैं आप। अच्छा, तो इसका एस्टिमेट प्राइस क्या रहने वाला है? डिपेंड करेगा पीस टू पीस, इसमें कोई फिक्स प्राइस नहीं होती है। अच्छा, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा पीस है, कब बना हुआ है। अच्छा, कितना रेयर है। ओके, ये सारी उस चीज़ में डिपेंड करती है सारी चीज़। तो एक दो पीस का मुझे रेट बताइए ना, क्या रहने वाला है अप्रॉक्सीमेटली? आप ये देखते हो, ओके, ये चाइनीज की बॉटल आती थी। अच्छा, ये आपको आ जाएगी 4500 में। अच्छा, तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता था? ये बॉटल्स थी, ये वाइन के लिए भी यूज़ होती थी, परफ्यूम्स के लिए भी यूज़ होती थी, डिपेंड करता है यूज़ कैसे करते हैं उसको। अच्छा, ये तो पूरा ये चाइना का, मतलब ये चाइनीज माल ही है, चाइनीज माल है पूरा ये, चाइना मिट्टी में भी बना है देखिए। और ये क्या चीज़ है ये 3D में जो दिख रहा है? ये चाइना का सोविनियर है। अच्छा, जो टेराकोटा के जो स्ट्रक्चर जो चाइना में बने हुए है। ओके, ये उसी का रेप्लिकेट बना हुआ है ये चीज़। जब भी कोई चाइना घूमने जाता है, ओके, ठीक है, तो वहाँ से कोई सोविनियर्स लेके आते हैं। अच्छा, ये वो सोविनियर्स है। ओके ओके ओके, ये कितना पुराना रहेगा? ये नया चीज़ है। अच्छा, ये आपको आ जाएगा करीब करीब 1500 में। अच्छा, 1500 में आ जाएगा। ये देखिए गाइस, कलेक्शन देखिए भाई के पास पूरा एकदम एग्जॉटिक ये कलेक्शन लग रहा है। देखिए वो पीस देखिए, वो पीस देखिए, पेंटिंग्स वगैरह देखिए। ओके, नेक्स्ट चीज़ कौन सी दिखा रहे हो शमशीर भाई? आप कैमरास देख सकते हो। अच्छा, तो ये देखिए गाइस, ये कैमरा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। ये देखिए ये पुराने कैमरास है, पूरे पुराने ही हैं।
तो ये कौन से जमाने के रहेंगे शमशेर भाई? ये करीब करीब 50-60 ईयर्स पुराने हैं। ओके। इसमें कुछ जो कलेक्शन में जो चीज़ें जाती है वो है मामिया। अच्छा, ये कलेक्टर ज़्यादा पसंद करते हैं चीज़ जमा करने मामिया का। मामिया। अच्छा, उसके बाद में रोलीफ्लेक्स के जो आते हैं। अच्छा, रोलीफ्लेक्स के भी जो है ये सारे कलेक्शन में जाते हैं। जी हाँ। ओके। और बाकी जब जो भी कस्टमर साहब ज़्यादा जो आते हैं वो आते हैं प्रोडक्ट शूट्स के लिए। ओके। फूड फोटोग्राफी के लिए तो उनको ये चीज़ें लगती है एज अ प्रॉप्स। अच्छा, ठीक है। तो ये आप मतलब रेंट पे भी देते हो? जी, हम लोग ये रेंट पे भी देते हैं चीज़ें। ओके। और इसका रेंट का कैसा रहेगा, कुछ डिपॉजिट लेते हो या कैसा रहेगा? हम लोग क्या, जो भी प्रोडक्ट का एक्चुअल अमाउंट है हम लोग वो डिपॉजिट रख लेते हैं। अच्छा। और 20% जो एक्चुअल अमाउंट है उसका डेली बेसिस पे चार्ज किया जाता है एज अ रेंट। ओके। तो एक पीस दिखा सकते हो मुझे रोलीफ्लेक्स का, कैसा रहने वाला? ये ऑपरेटेबल अभी भी है या कैसा रहेगा? नहीं, हम लोग जब भी, क्योंकि देखिए पुरानी चीज़ है तो हम लोग इसकी ऑपरेशन की गारंटी नहीं लेते चीज़ों की। ओके। ये चीज़ें जाती है कलेक्शन के अंदर। अच्छा। तो जो लोग ये चीज़ लेके जाते हैं उन्हें बेहतर जानकारी होती है कि इसको यूज़ कैसा करना है। अच्छा। बट हम लोग जब भी बेचते हैं हम लोग उसको बोल के बेचेंगे कि ये नॉन वर्केबल है। ओके। ठीक है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। राइट। ठीक है, जो भी कन्फ्यूजन रहेगा वो क्लियर करा के दे देंगे आपको। आप इनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, इनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। और ये जो प्लेस है गाइज, ये टूरिस्ट प्लेस के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। जब भी पुणे में फॉरनर्स वगैरह आते हैं या कोई एंटिक का कलेक्शन का लवर रहेगा वो यहाँ पे आके इसको विजिट कर सकता है, ये शॉप को। और ये सभी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, हाथ में लेके देख सकते हो, फील कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट चीज़ कौन सी दिखा रहे हो शमशेर भाई? आप ये चीज़ें देख सकते हो, ये पुराने पोस्ट कार्ड्स है। अच्छा। जब लेटर्स का सिस्टम नहीं था और ये सारे ओपन लेटर्स जाते थे। ओके। ठीक है, अब तो ईमेल आ गया है जी, फ़ोन आ गया है, सारी चीज़ बहुत आसान हो गई है जी। बट उस वक्त में बहुत ये जब चीज़ें लिखी जाती थी ये सारे ऐसी आती थी। राइट। ये पुराने पोस्ट कार्ड्स है, ये आपको पूरा कलेक्शन मिल जाएगा पोस्ट कार्ड्स का। अच्छा। और ये सारे दुनिया भर से सारी चीज़ें हैं, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड का कनेक्शन आपके पास है ऐसे? जी हाँ, सारे सभी जगह कलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अच्छा। इसके साथ में ये जो आते थे फर्स्ट डे कवर्स जो आते थे। ओके। टिकट्स बोल रहे हो क्या? जी हाँ, ये फर्स्ट डे कवर्स बोला जाता है इनको। ये स्टैम्प्स जो आते थे, ठीक है, ये रिलीज होते थे पोस्ट ऑफिस के जरिए जब भी फर्स्ट टाइम पे लॉन्च होते थे ये। ओके। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ मेडल्स वगैरह है। अच्छा, आपको मेडल्स मिल जाएंगे, कॉइन्स मिल जाएंगे। तो ये मिलिट्री के रहने वाले या जी, आर्मी के ही आते हैं? आर्मी के आते हैं ये। अच्छा, आपको कॉइन्स चाहिए, कॉइन्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, कॉइन्स भी मिलने वाले। देखिए गाइस, पुराने जमाने के ये देखिए बहुत सारे हैं। तो ये कौन से कंट्री के रहने वाले हैं? सारे मिक्स्ड है। अच्छा, मिक्स रहने वाले हैं पूरा। जी हां। ओके। और ये क्या प्राइस में आने वाला ये पोस्ट कार्ड, अगर कोई खरीदना चाहता है एंटिक लवर उसके लिए? जैसे आपको मतलब पहले इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ये चीज़ जो है ये डिपेंड करता है पीस टू पीस। ओके। ये कब बनाता, किस वक्त बनाता। अच्छा, कब रिलीज बने हुए। यस। ओके। ये उस हिसाब से सारी चीज़ें चलती है, कंडीशन के ऊपर भी वो डिपेंड करता है, रेटी के ऊपर डिपेंड करता है कब बनी थी। ओके। कितनी बनी थी। ओके। नेक्स्ट चीज़ कौन सी दिखा रहे हो शमशेर भाई? आप देख सकते हैं बॉटल का भी काफ़ी कलेक्शन है। अच्छा, ठीक है। ये पूरे अतर के बॉटल है या कैसा है ये? ये वाइन के भी आते हैं, अतर के भी आते हैं। अच्छा, ये ज्यादा जाते हैं डेकोरेटिव पर्पस के लिए। अच्छा, डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। आपको पुराने बुक्स मिल जाएंगे जो एंटिक। अच्छा। बुक्स आते हैं, बुक्स का भी कलेक्शन है गाइस। कोई अगर पढ़ने वाला है पुरानी चीजें तो यहाँ पे विजिट कर सकता है और इनसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। ओके। बुक्स आपको मिल जाएंगे 18 सेंचुरी से लेके तो अभी जो लेटेस्ट में चल रहे सारी चीजें। अच्छा, 18 सेंचुरी से चालू होने वाले। कुछ फेस मास्क है, फेस मास्क देखिए गाइस, पुराने जमाने के, ये भी एंटिक चीजें हैं। ओके। कुछ पेंटिंग्स आपको मिल जाएंगी। अच्छा, पेंटिंग्स भी है भाई के पास। एक दो पेंटिंग दिखा दीजिए शमशेर भाई, कौन से रहने वाले अपने पास? ये मिनिएचर पेंटिंग है, आप ये देख सकते हो, ये मिनिएचर पेंटिंग है। ओके, ये पेंटिंग देखिए गाइस, ये वाटर कलर में बनी हुई है। अच्छा, ये वाटर कलर वाले। जी हाँ। तो ये भी एंटिक है या? ये भी काफ़ी पुरानी है बट ये आर्टिस्टिक है, तो हम लोग आर्टिस्टिक चीज़ें भी रखते हैं। ओके। ताकि एंटिक्स के साथ में जो भी आर्ट लवर्स है ये लोग भी काफ़ी शॉप पे आते हैं ये सब चीज़ों के लिए। अच्छा। ये एक चीज़ मुझे एंटिक दिख रही है, ये क्या चीज़ रहने वाली है? ये जो चीज़ है जी, इसमें एक्चुअली मस्का जो है, मस्का बनाया जाता था। ओके। ये जो है, ये इसके अंदर बॉटल के अंदर जो दही या छाछ जो भी आती थी ये डाली जाती थी और इसको चर्न किया जाता था। तो ये कहाँ की चीज़ रहेगी? ये इंडिया की बनी हुई, इंडिया की। ओके। ओके। नेक्स्ट चीज़ कौन सी दिखा रहे हो शमशेर भाई? अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है। ओके। अब पुराने स्टैंप पेपर्स आप देख सकते हो जो ब्रिटिश के वक्त के हैं। ओके। ये देखिए गाइस, ब्रिटिश जमाने के ये स्टैंप पेपर्स है। देखिए, ये स्टैंप पेपर्स आपको काफ़ी मिल जाएंगे हमारे पास में। अच्छा, ये जो है ये कम्प्लीट यूके की हिस्ट्री है। ओके। यूके के जो किंग और क्वीन थे उन्होंने किस किस कंट्री पर राज किया हुआ है।
अच्छा, और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारा कलेक्शन उसी का है पूरा। ओके, ये पूरा मतलब पेंटिंग के जरिए बताया गया है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें वही है। अच्छा, कि कहाँ पे इनका क्या क्या डेस्टिनेशन था, इन्होंने कहाँ कहाँ पे, ये सारा आप देख सकते हो इनकी हिस्ट्री के मामले में। ओके, ये देख सकते हो गाइज, ये पूरी हिस्ट्री है हमें यूके की, पूरी इन्फॉर्मेशन है इसमें, ब्रिटेन की वो इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्रिंट्स है। ओके, ये प्रिंट्स है 1927 के। अच्छा, 1927 के ओरिजिनल है ये। जी हाँ, ये म्यूजियम से परमिशन लेके बनाई जाती थी चीज़ें ये। ओके, ये देखिए गाइस, एंटिक पीसेस से पूरा देखिए। ओके, तो ये पर पीस से बेचा जाता है या बंच में बेचा जाता है? नहीं, ये पर पीस के हिसाब से बेचे जाते हैं। अगर कोई पूरा बंच लेना चाहता है तो हम उसको डिस्काउंट भी देते हैं चीज़ों के लिए। ओके, बट डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। जी हाँ। अच्छा, तो नेक्स्ट चीज़ कौन सी दिखा रहे हो शमशेर भाई? अब जहाँ पे आप देख सकते हो ये ज़्यादा पोर्सलिन के आइटम्स हैं। ओके, पोर्सलिन के आइटम से देखिए गाइस, ये देखिए ये वाला स्टैचू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये कब का मॉडल है शमशेर भाई? ये करीब 50-60 ईयर्स पुरानी चीज़ है। ओके, अब ये देख सकते हो ये बुक एंड जो है। ओके, ये अप्रॉक्सीमेटली 200 साल पुरानी चीज़ है। वाह, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, देखिए गाइस, बेहतरीन चीज़ दिख रही है। ये क्या मतलब शो पीस रहता था क्या ये? बुक एंड्स है, इसके बीच में किताबें रखी जाती थी और ये साइड में लगाए जाते थे दोनों। अच्छा 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 अच्छा, तो बीच में ऐसे यहाँ पे बुक्स रहेगी। यस, और ये साइड से लगाए जाएंगे, तो ये एज अ शो पीस भी होता था और स्टैंड की तरह भी यूज किया जाता। जी हाँ, राइट। तो इसका क्या प्राइस रहने वाला है? ये कॉम्बिनेशन में आएगा राइट? जी, दोनों साथ में ही आते हैं। ये आपको आ जाएगा 60,000 में। ओ माय गॉड, 60,000 का प्रोडक्ट रहने वाला है। कहाँ का प्रोडक्ट है भाई ये? ये इंग्लैंड का है। अच्छा, इंग्लैंड का प्रोडक्ट रहने वाला है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी जो 50 रुपीज़ से स्टार्ट होगी। ओके, हो जाएंगी लाखों रुपये तक। लाखों रुपये तक का कलेक्शन है भाई के पास। ये देखिए, ये कप्स वगैरह देखिए, कार भी है देखिए, एंटिक कार। ये पूरे कलेक्शन देखिए गाइस। बोलिए शमशेर भाई, ये सारा चाइनीज कलेक्शन है, पोस्टिंग का कलेक्शन है, चाइनीज कलेक्शन, मिक्स्ड आपको इसमें चीज़ें मिल जाएगी। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ आपको मिल सकती है। ओके, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है गाइस, उस हिसाब से आप ले सकते हो। देखिए, ये कुछ पुराने जो ग्रंथ आते थे। अच्छा, ठीक है, जो हाथ से लिखे जाते थे। अच्छा, ये पुराने ग्रंथ है। ओके, ये ग्रंथ है, दिखा रहे हैं देखिए भाई खोल के। ये हाथ से लिखे जाते थे, पूरा हैंड रिटन रहने वाला है देखिए। ये देखिए गाइस, तो ये कौन सा ये है, लैंग्वेज कौन सी है ये? ये संस्कृत में लिखा गया है सर। अच्छा, संस्कृत में लिखा गया है देखिए। वाह, ये आप देख सकते हो, ये सारा इसी का कलेक्शन है पूरा। अच्छा, तो ये कितना पुराना रहेगा शमशेर भाई? ये इसका अभी तक स्टडी किया हुआ नहीं है, ये अभी कली चीज़ आई हुई थी। अच्छा, कली इनके पास आई है। इसके मतलब कहना ऐसा होता है कि इसके पीछे स्टडी काफ़ी होती है। अच्छा, आपको इसके बारे में जानकारी पढ़नी पड़ती है ताकि आप कस्टमर को समझा सको एक चीज़ कब की थी और क्यों थी। ओके ओके ओके, मतलब जो क्लाइंट्स है ये ज़्यादातर टूरिस्ट लोग आते हैं। okay. जितने फॉरनर्स पुणे में आते हैं ये इस शॉप पे विजिट करके ही जाते हैं। अच्छा, क्योंकि इसको एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बोला गया है। ओके, ठीक है, तो जो भी कोई पुणे में आता है, जो एंटिक लवर है, वो शॉप पे आता है। देन हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, आर्किटेक्ट्स है, इंटीरियर डिजाइनर्स है, फोटोग्राफ्स है। अच्छा, क्योंकि रेंट पे देते हैं हम लोग सारी चीज़ें, तो फोटोग्राफर्स भी काफ़ी आते हैं। ओके ओके, ठीक है, तो मतलब वेरियस कस्टमर्स की वेरियस रिक्वायरमेंट होती है। जैसा मतलब कस्टमर का डिमांड रहेगा वैसी चीज़ें आपका उन्हें अवेलेबल करा के दे देते हैं, अरेंज भी करके हम लोग देते हैं, वो चीज़ें भी हो जाती है। ओके ओके, तो नेक्स्ट चीज़ कौन सी दिखा रहे हो शमशेर भाई? यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है गाइस, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट चीज़ कौन सी दिखाते हैं शमशेर भाई। ये फोटोग्राफ्स का जब सारा कलेक्शन मिल जाएगा हमारे पास में। ओके, ये देखिए, ये सारे पुराने फोटोग्राफ्स है। ओके, ये ब्लैक एंड व्हाइट में जो फोटोग्राफ्स पहले आते थे। अच्छा, जब कोई लोग घूमने के लिए जाते थे, कोई डेस्टिनेशन पे जाते थे। अच्छा, तो उस वक्त में फोटो क्लिक किए जाते थे। ये सारे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स हैं। राइट राइट, इसमें आपको फोटोज, हमारे पास कुछ फोटोज ऐसे हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। अच्छा, महात्मा गांधी के फोटोग्राफ्स भी है। ओके, ओरिजिनल चाचा नेहरू के भी है। जी हाँ, अरे वाह अरे वाह, तो ये सारा कलेक्शन जो है हम लोग प्रिजर्व करके भी रखते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये वाले जो है ये सारे डेकोरेटिव पीसेस है, डेकोरेटिव पीसेस है। ओके, ये वाला देखिए गाइस। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ कौन सी दिखा रहे हो शमशेर भाई? जो पुराने स्टोन्स आते थे। अच्छा, ये सारे स्टोन्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे फिर जो छोटी छोटी चीज़ें आती जैसे कफलिंग्स हो गए, बटन्स हो गए, जो पुराने आते थे, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। वाह, कलेक्शन देखिए गाइस, कितना ब्यूटीफुल है इनके पास, अमेजिंग कलेक्शन लग रहा है इनके पास। देखिए, जो पुराने रिंग्स आते थे। अच्छा, रिंग्स वगैरह भी अवेलेबल है। तो ये जो स्टोन्स वगैरह है ये पूरे ओरिजिनल रहने वाले? इसमें ऑथेंटिक स्टोन्स आते हैं। ओके, ये देखिए गाइस,
और ये कितने पुराने रहेंगे मे बी? ये डिपेंड करता है पीस टू पीस, इन जनरल तो बताया नहीं जा सकता, डिपेंड करता है कौन सा पीस कितना पुराना है। अच्छा 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 अच्छा, आप देख सकते हो कि पुराने पेंटिंग भी काफी हमारे पास में है। अच्छा, ये ओरिजिनल वाले पेंटिंग से? जी हाँ, ये ओरिजिनल वाले पेंटिंग से। ओके, ये देखिए किसने बनाया है? ये बेंटली करके कोई आर्टिस्ट है, फॉरेन आर्टिस्ट है। ओके, ये उनकी बनाई हुई चीज है। अच्छा वाओ, तो ये कितनी पुरानी रहेगी? ये अप्रोक्सीमेटली 80 टू 90 इयर्स ओल्ड। अप्रोक्सीमेटली ये जाएगा 40 टू 50,000 के बीच में। वाओ, 40 टू 50,000 का एंटिक पीस है। देखिए गाइस, घर में आप लगाओगे तो अलग ही मजा आने वाला है इसका। ओके, नेक्स्ट वाला पेंटिंग दिखाइए शमशेर भाई। ये फोटोग्राफ है। अच्छा, ये चाकोल चाकोल प्रिंट जो होती थी उस वक्त में, ये वो चीज है। ये आपको क्लियर दिखाई नहीं देगी, आपको थोड़ा सा क्रॉस रखना पड़ेगा इसको। दिखाई दे रही है, देखिए ये चारकोल पेंटिंग में बना है, मतलब इसमें कोई पेंट वगैरह यूज नहीं किया गया है, सिर्फ चारकोल यूज चारकोल किया गया है। जी हाँ। वाओ, तो ये कब का पीस रहने वाला है शमशेर भाई? ये अप्रोक्सीमेटली कम से कम ये 110 या 120 साल पुरानी चीज है। ओह माय गॉड, और उसका प्राइस क्या हुआ कोट कर रहे हो? अप्रोक्सीमेटली 20-25,000 में वो चीज आ जाएगा। अच्छा, 20-25,000 का वो रहने वाला है। और गाइस, हमने पूरा एक्सप्लोर किया है शमशेर भाई का शॉप। ये सिल्की वर्ल्ड स्टोर एंटिक शॉप है, सिल्की वर्ल्ड एंटिक स्टोर। हाँ, तो ये है यहाँ पे कैंप एरिया में है ये, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच शमशेर भाई, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दी हमें, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमें। और ये टूरिस्ट प्लेस भी है गाइस, यहाँ पे आ सकते हो आप, फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको एक्सप्लोर करा के दे देंगे। जी, ठीक है। और ऐसे ही ब्लॉग्स में हमेशा लाता रहूँगा गाइस, ये काफ़ी इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग था आज का, ठीक है। तो ऐसे ही ब्लॉग्स में लाता रहूँगा। कैसा लगा आज का ब्लॉग ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस। और वीडियो आपको अगर पसंद आ रहे हैं मेरे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और ब्लॉग्स लाता रहूँगा। काफ़ी सारे लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, सिर्फ व्यू करके चले जा रहे हैं वीडियो को, तो मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब भी करें गाइस, इसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सब्सक्राइब करना, इससे भी मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो मैं ऐसे ही व्लॉग्स लाता रहूँगा गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।